एक ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं कि उधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी एक लंबे समय तक ओबीसी या शेड्यूल क्लास के लोग राजनीतिक नेतृत्व में रहे, बावजूद इस क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दशाओं में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये इसका नहीं होने का ये परिवर्तन क्या कारण के, जबकि राजनीतिक नेतृत्व इनके हाथों में था, अभी भी इस क्षेत्र में ये ताकतवर रहे हैं अपेक्षाकृत राजनीतिक इस क्षेत्र में, बावजूद सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में और सभ्यता के क्षेत्रों में, सांस्कृतिक के क्षेत्रों में ये अभी भी काफी पिछड़ापन है। इस चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक नेतृत्व देखें तो मुझे तो नहीं लगता है कभी इनके हाथों में रहा, क्योंकि अगर ये कांग्रेस में रहे हैं तो हमेशा कांग्रेस के हाईकमान के अनुसार इनको काम करना पड़ा है। अगर भाजपा की सरकार आई आई तो वो तो वैसे मनवादी संस्कृति वाली सरकार है, भले ही हमारे आदमी वहां से उनके टिकट पे जीत भले जाते हो, लेकिन उनकी लगाम जो है हमेशा जो है उसके हाईकमान रहती, जो कि मनवादी संस्कृति से पर आधारित है। एक दो बार ऐसे लोगों के संग आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी या ओम प्रकाश चौटाला की वहां सरकार बनी, तो ये लोग भी कोई बहुजन विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। भी उत्तर प्रदेश में जो बसपा जो सरकार बनी बनी है, वो भी आप उसको भी आप ये कहीं नहीं कह सकते कि बहुजन आंदोलन के आधार पर उन्होंने सरकार चलाई, क्योंकि वो भी सत्ता में आए हैं तो भाजपा के सहयोग से आए हैं। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रतिनिधि, अगर हम इन चीजों को छोड़ दें, अगर आपने जो प्रश्न पूछा उसका मतलब यही है कि हमारे लोग वहां पर हमेशा रहे हैं, तो जो पूना पैक्ट बना, जिसके जिसके खिलाफ जो है कांशीराम जी ने पूना पैक्ट अधिकार दिवस भी मनाया, बामसेब भी मनाती रही है, और चमचाइयों की स्टार्ट की स्थापना की बात हुई है, तो और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मजबूरी में पूना पैक्ट किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर पूना पैक्ट के द्वारा जो लोग भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कहने को तो इस अनुसूचित जात के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन वो अनुसूचित जात के नहीं होंगे, क्योंकि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहां पर जो व्यक्ति जीतता है वो पूरी तरीके से दूसरे समाज के वोटों पर डिपेंड करता है। इसलिए जब भी वो जीत कर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाता है तो वो एससी के जो एरिया में नहीं जाता, क्षेत्रों में नहीं जाता, वो बुद्ध विहारों में नहीं जाता, वो जाता है तो सीधे मंदिरों में जाता है, और वहां के जो सामंत हैं, जो सवर्ण सामंत हैं, उनके पास जाता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से वो इलेक्शन जीतता है। तो और सबसे बड़ा आपको उदाहरण दें कि 170वां प्रमोशन में आरक्षण वाला 170वां बिल था, वो कांग्रेस का जो अंतिम जो मनमोहन सिंह की जो सेकंड पारी थी उसमें वो लंबित था, वो पास नहीं हो पाया। पास नहीं हो पाया, क्यों नहीं पास हो पाया? जबकि आप बाकी लोगों को तो छोड़ दें, और जो ओबीसी के एमपी, 122 एमपी तो अकेले एससी समाज के एमपी होते हैं। आप सोचिए कि जब कई बार ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस ने 44-45 एमपी के होते हुए मोदी सरकार के नाकों में दम कर दिया, दम कर इतना उन्होंने दिया। बवाल किया कांग भाजपा, लेकिन एससी समाज के 122 एमपी कभी एक साथ उठकर खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल को पास कराने के लिए। और परिणाम ये हुआ कि जिस मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को लेके आई, वो ऐसे ही पड़ा रहा, वो सरकार चली गई। और बाद में मोदी सरकार आई, वो तो कभी चाहेगी नहीं, वो तो वैसे भी आरक्षण विरोधी है। तो इस प्रकार हमारे प्रतिनिधि होना, संसद में होना, ये एक अलग बात है, वो प्रतिनिधि किस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, किस अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसके प्रति समर्पित है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक जी हमारे प्रतिनिधि बाबा हमारे आंदोलन के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हमारी समस्याओं के प्रति नहीं समर्पित नहीं होंगे, हम हमारी जो सामाजिक गुलामी है जो आज भी चल रही, उससे मुक्ति दिलाने के लिए उनका उद्देश्य, उस उद्देश्य पर समर्पित नहीं होंगे, तो ऐसे प्रतिनिधियों का विधानसभा लोकसभा में बैठने से हम कोई ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे हितों के लिए काम करेंगे। आप सोचिए कि प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो फाड़ा गया वो किसने फाड़ा? वो एक एससी समाज का व्यक्ति था, यशवंत सिंह, उसने फाड़ा, वो चूंकि हाईकमान ने उसको बोल दिया था। तो ये जी लोग जो है उनसे हम ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानसिक गुलाम है, उन्हें दोबारा एमपी बनना है, दोबारा विधायक बनना है, और जिस जिस पार्टी के दम पे बनना है या जिस समाज के दम पे बनना है तो वो उसी की बात करेंगे।